तो चलिए अब बात करेंगे बहुचर्चित घोटाले की, जिसमें पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। ऐसे में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल भिवानी में पुलिस को एक बार फिर कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने नगर परिषद के बहुचर्चित घोटाले मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इकोनॉमिक सेल इस घोटाले की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला और क्यों यहां के लोग सड़कों पर है, आइए जानते हैं। भिवानी में लोग सड़कों पर हैं और लोग सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि लोगों की मांग है कि नगर परिषद के बहुचर्चित घोटाला मामले में गिरफ्तारियां हों। हालांकि इस मामले की जांच इकोनॉमिक सेल कर रही है, वहीं पुलिस ने भी मामले में 3 गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों पर आरोप है कि इन्होंने नगर परिषद के खाते से अपनी फर्म में 3,83,57,000 रुपए डलवाए हैं और ये रुपए इन आरोपियों ने 11.5 लाख रुपए कमीशन लेकर फर्जी तरीके से डलवाए थे। ये सुदर्शन जिंदल द्वारा एक दरखास्त दी गई थी, मार्केट कमेटी में करोड़ों रुपए नजायज घपले किए गए हैं, जिसकी वजह से हमने एक नीतीश अग्रवाल गिरफ्तार करा, उसे 10 लाख रुपये बरामद किए हैं। उसके बाद एक कपिल गिरफ्तार किया जो रिमांड पे है, उसके बाद 2 आरोपी और गिरफ्तार करे हैं, अरुण और नितिन, और जिसका नाम तारा गिरफ्तार करते रहे। सर क्या क्या बरामदगी हुई अब तक? 1 से 10 लाख रुपये बरामद हुए। कोई इनके कोई फर्म थी, कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, क्या हुआ था इनके साथ? इनके ट्रांजैक्शन हुई। कितने रुपए सर हैं उसमें? कपिल के 3,83,00,000। बाकी 2 आरोपियों से भी रिमांड के बाद बड़े राज खुलने और इस मामले में बड़ी मछलियां फंसने की उम्मीद है। दरअसल सुदर्शन जिंदल ने नगर परिषद में करोड़ों रुपए की हेराफेरी होने की शिकायत भिवानी SP अजीत सिंह शेखावत को दी थी और इस शिकायत की जांच SP ने इकोनॉमिक सेल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सतपाल सिंह को सौंपी थी। इस दौरान पुलिस ने पहले एक्सिस बैंक मैनेजर नितेश को गिरफ्तार किया, जिसने कमीशन और इंसेंटिव के लालच में नगर परिषद के करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से कई फर्मों से लोगों के खातों में ट्रांसफर किए थे। पुलिस के गिरफ्त में आए ये 3 लोग अलग अलग जगह से हैं। आरोपी कपिल पानीपत का रहने वाला है, जबकि आरोपी अरुण चरखी दादरी का निवासी है। वहीं मामले में गिरफ्तार नितिन भिवानी का रहने वाला है। आरोपी कपिल ने कबूल किया है कि उसके नाम से बनी 3 फर्मों में नगर परिषद के खाते से फर्जी तरीके से पैसे ट्रांसफर हुए और इसके बदले में उसे 11.5 लाख रुपए कमीशन मिला। पुलिस ने कपिल से 10 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस अब अरुण और नितिन को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कई नए राज खुल जाएंगे, मामले में अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भ्रष्टाचार पर अंकुश आखिर क्यों नहीं लग पा रहा है? भिवानी से हर खबर के लिए दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट।